सात महीने से लगातार पूरी में हूँ। एक भी महंत मंडलेश्वर स्वप्न में भी मेरे पास आए कि यह समस्या है। अगर मैं मुंह खोलूं, ये तो आपको मालूम है कितने वर्षों से मुझसे परिचित हैं आप? 15 साल हो गए। 15 साल में 28 साल से यहाँ हूँ। मैं डरपोक नहीं हूँ, कोरा भावुक नहीं हूँ, अविवेक पूर्वक मुँह खोलता नहीं। भगवत कृपा से मेरे मुँह खोलने का प्रभाव पूरे विश्व में पड़ता है, ये भी है। तो क्या कारण है कि आपने भी कहा पत्रकार महोदय ने मुँह खोला क्यों नहीं? मैं मुँह खोलूँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है जब मार्ग प्रशस्त हो रहा था तो महंतों ने कहा हमारा भी मर तोड़ दीजिए, हमारा भी मर तोड़ दीजिए, तो उनका मैं वकील बनूंगा तो मुखी खानी पड़ेगी या नहीं? समझ गए या नहीं? मुँह किसके लिए खोलूँ? ध्यान गया आपका? उन्होंने कहा या नहीं कि हमारा भी ताकि खूब धन मिले। एक भी महंत बताइए जो आए हो जिनको वेदना हो मत टूटने का, कोई भी नहीं। एक भी महंत आए हो कि हम लोग मिलकर काम करेंगे। हमने 28 वर्षों में कई बार बुलाया, जब हमने देखा कि महंत 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 जितने मठ के महंत हैं कोई भी साथ देने वाले और लेने की स्थिति में नहीं है, तो फिर जब मैं मुँह खोलूंगा तो सरकार की दृष्टि में मेरी स्थिति क्या रहेगी? ध्यान गया? और मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, जो मैं हूँ खोलता हूँ 12 महीने, वो तो आप नहीं सुनते होंगे। सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के दुर्ग या किले हैं मठ मंदिर, वो मठ मंदिर पर सेकुलर शासन तंत्र का अधिकार है या नहीं? और आपको ध्यान होगा या नहीं, हमने अपने वकील को जो लिखित संदेश दिया सुप्रीम कोर्ट में, उसने उसको प्रस्तुत किया मेरे शब्दों का अंग्रेजी में। अभी जो श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर निर्णय आया है 3/4 एक ही कदम में, और आना बाकी है। आपको मालूम है नहीं मालूम है? सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ही वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करके मेरा ही जजमेंट समझिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आदि से मेरा कोई परिचय नहीं है तो आप जान गए। लेकिन एक दिन वो भी अवकाश का था, समर वेकेशन का, मुँह खोलने पर से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा रुकी या हो गई, रुकने की स्थिति थी या नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि सेकुलर शासन तंत्र को श्री मंदिर धार्मिक स्थान संभालने का कोई अधिकार नहीं है। आज मैं स्पष्ट कहता हूँ श्री मंदिर का सारा अधिकार पुरी के शंकराचार्य को प्राप्त है। क्या गजपत जी महोदय श्री मंदिर के समिति के अन्य जो मान्य महानुभाव हैं यहाँ के मान्य मुख्यमंत्री जी, उनको ये नहीं मालूम है? लेकिन कोई भी पसंद करेंगे कि शंकराचार्य के मार्गदर्शन में धर्म और अध्यात्म के अनुसार श्री मंदिर के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा हो, संभव क्यों है? पहले कहा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट ही हस्तक्षेप करे तो व्यवस्था सुधरे, मालूम है ना आपको? अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ही निर्णय दिया, वो निर्णय बदल नहीं सकता, अंतिम निर्णय है, पुरी के शंकराचार्य की उपस्थिति में ही श्री मंदिर समिति की बैठक होगी, होती है कुछ? मंदिर को बंद किया गया या जब खोला जाएगा मुझसे कोई परामर्श लिया गया है? इसका अर्थ है उड़ीसा सरकार को सबसे ज्यादा डर हमसे है क्या? शासन तंत्र के हाथ से, समिति के हाथ से मंदिर ना निकल जाए? ध्यान गया? अभी तो प्रतिनिधि लोग आपके पास जा रहे हैं, कौन प्रतिनिधि? यहाँ पर अधिकारी अभी तो जा रहे, मठ जा रहे, इस बारे में कोई निर्णय नहीं। जब कभी आते हैं अपनी व्यक्तिगत आस्था के कारण आते हैं, श्री मंदिर का संचालन कैसे होना चाहिए, नीति और अध्याय, शिक्षा रक्षा संस्कृति सेवा धर्म और मोक्ष के संस्थान, 5 उद्देश्य मैंने निर्धारित किया है, वो है ना क्या इतिहास वाले मिश्र जी? शिक्षा रक्षा संस्कृति सेवा धर्म और मोक्ष के संस्थान, पूरी के लिए 3 शब्द मैंने चुना है, शुचिता स्वच्छता सुंदरता। शुचिता पूरी पूरी में, शुचिता माने शुद्धता, स्वच्छता सुंदरता, उधर शिक्षा रक्षा संस्कृति सेवा धर्म और मोक्ष का संस्थान बने या दिव्य धाम। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 7 पुरियां हैं, श्री जगन्नाथ पुरी 8वीं पुरी, 7 चिरंजीव हैं, मार्कंडेय जी 7 में नहीं 8वें में, मार्कंडेय मथाष्टमम पुरी का सबसे अच्छा। पुरी के नाम कितने हैं जी? पुरुषोत्तम क्षेत्र, संख्यक क्षेत्र, भोगवर्धन शब्द का प्रयोग कर रहे थे ना,
मत्स्य पुराण पढ़िए, अग्नि पुराण पढ़िए, भोग मंडप को लेकर भोगवर्धन नाम नहीं है इस मठ का, ये गोवर्धन मठ इसकी तो शाखा है ये उसकी, थोड़ा सुनिए। मत्स्य पुराण अग्नि पुराण के अनुसार मैं भौगोलिक धरातल पर बोल रहा हूँ, यहाँ से लेकर ये दो क्षेत्रों के मध्य में पूरी है। शंखक क्षेत्र इसका एक नाम है, पुरुषोत्तम क्षेत्र एक नाम है। अग्नि पुराण मत्स्य पुराण पर ये आंध्र की सीमा तक महेंद्र पर्वत तक भोगवर्धन क्षेत्र इसका नाम, क्षेत्र के आधार पर भोगवर्धन पीठ नाम है। भगवान के लिए भोगवर्धन करते ये तो प्रसिद्धि हो गई है। मत्स्य पुराण का अध्ययन कीजिए, इसके तीन तीन नाम है, शंखक क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, भोगवर्धन क्षेत्र। भौगोलिक धरातल पर इसको भोगवर्धन क्षेत्र क्यों कहते हैं, मत्स्य पुराण पढ़िए। महेंद्र पर्वत से लेकर आंध्र यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो भोगवर्धन कहा गया है। ये भोगवर्धन क्षेत्र है, शंखक क्षेत्र है, पुरुषोत्तम क्षेत्र है और आठवीं पूरी है। यह हो गया गुरु जी, बड़ी बात बता, निर्देश भी किए हैं कि सब मिलके इसके लिए काम करेंगे, एक सूची जारी होगा, क्या होगा इसके लिए? यहाँ के महंत कौन है आवे? उत्तर मैंने पहले दे दी। जो महंत थे मैंने बुलाया था, समझ गए? इससे पहले जो कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज मेरे गुरु भाई थे, समझ गए? स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज मेरे गुरु भाई थे, उनके बाद जो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया वो उड़ीसा के थे। मैंने बुलाया था, उनकी स्थिति को देखकर, अभिमति को देखकर मैंने कुछ मुंह खोलना उचित नहीं समझा। गुरु जी और एक बात है कि 25 आप क्यों दर्शन करने के लिए नहीं गए थे? इसका मतलब हम नियम को तोड़ कर जाते फिर बदनाम होते? तो सेवक लोग तो गए ना, सेवक लोग गए ना, सब सेवक लोग गए ना मंदिर दर्शन करने के लिए। राष्ट्रीय होता है कि सरकार ने निर्णय लिया किसी के लिए नहीं खोलेगा तो मैं जाके धरना देता, यही करता ना, तो मेरा नाम नियम तोड़ने वालों में आता या नहीं? सुनो, अब बोलते हो पुराने परिचित हो लाले प्यारे बाल गोपाल, आज शंकराचार्य ने जो अधिकार दिया है आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शंकराचार्य के पद पर कोई विधिवत प्रतिष्ठित योग्य हो उसके निर्णय को लोक में जो सरकार है वही नहीं, परलोक में यमराज भी नहीं टाल सकते, समझ गए? शंकराचार्य के द्वारा दिया गया निर्णय ज्यों के त्यों शास्त्र सम्मत होने के कारण यमराज में के पार्लियामेंट में भी ज्यों के त्यों माना जाता है। हमारा दिया हुआ निर्णय कहीं संशोधित परिवर्धित नहीं होता, इतना अधिकार है। आप मेरे मंत्री होते तो आपके कहने में चला जाता, फिर होता कि शंकराचार्य नियम तोड़ने के लिए जबरदस्ती मठ क्या पट खुलवाने के लिए आए, उसमें सबसे पहले आप ही समीक्षा करते हमारी। 2021 में नागार्जुन बेस, नागार्जुन बेस होगा ऐसा सवाल जो अगले साल, अगले साल महाप्रभु जी का नागार्जुन बेस होगा क्या? जो एकादशी में बताया था, 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 था। देखिए मेरा स्वभाव है, ये ज्योतिष का प्रश्न है ना, ज्योतिर्विद हूँ, विशेषज्ञ हूँ, वो लोग आप हैं छानबीन करके, गणित का प्रश्न है, बहुत मंथन करके छानबीन करके कोई बात कही जा सकती, यहाँ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है।